वो देखो इस वक्त नारान में बर्फबारी हो रही है, ठीक है, ये सारा जो है ना। और यार अगर तुम लोग नारान आ रहे हो, ठीक है, ऐसा से मतलब की बात शार्क्स हैं आसमान के अंदर। आगे हम होटल दिखाएंगे। देखो वेदर कितना यहाँ पे नो वेदर है और बाहर बहुत ज्यादा ठंड। कोई अब शार वहाँ से आ रही है। बैक विद द न्यू वीडियो। तो यार तुम सब लोगों का न्यू वीडियो में वेलकम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं चैनल को सरप्राइज कर रहा भाईजान। ठीक है, मी एंड माई छोटा मसेर। और आज मेरे को निकलना है नारान कागान के लिए। से मैंने कहा था चल ले, पर ये कह रहा है कि नहीं इसका स्कूल है। अभी मुझे नहीं लगता कि नारान कागान में अच्छे होटल होंगे, पर होप्स हो के अच्छा होटल मिल जाए मुझे। मेरे को तो उसको टेंशन है कि होटल अच्छा मिले। पैकिंग शैकिंग हो रही है अभी मेरी, ये देख लो सारी जो है ना सामान वगैरह, तो इसी में घुसाना है, एक बैग में घुसाना है भाई। टीम वो भी आ रही है, फिर उनके साथ जाएंगे हम लोग नारान कागान। अब मुझे नहीं पता ठीक है नारान स्टे होता है या कागान होता है। खैर अभी उनके आने में देर है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा शुक्र मिलेगा भैया। कंपनी ने हमें अपने खाते से चाय पिलाई है। ये भैया साले सवाब है, सवाब तो अनुज चाहिदा। ओ गरीब इंसान, कोई तेरी चाय नहीं छीनता, वापस आ जा। वो चाय लेके भाग रहा है यार। हाँ तो यार सीन ये है ठीक है, अभी हम लोग इधर एटाबाद से पीछे हैं। यहाँ हमने फजर की नमाज पढ़ी है और अभी ये हमारा जो है ना नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी बालाकोट। वहाँ हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह। दिमांची है ठीक है, यहाँ पे हमारा है ब्रेकफास्ट। वहाँ देखो दो वॉशरूम हैं ठीक है, एक खुला है और एक बंद है। वो जो दूसरे वाला बंद है ना, वो इसलिए बंद है कि इन भाई का और इन भाई का मोबाइल अंदर चार्जिंग पे लगा हुआ। नहीं क्या किया, धोखा, एक धोखा दिया। हमारी चार्जिंग के चक्कर में हमने लोगों के दिन आराम किए। वो जो बाहर गए देखो रश लगा हुआ, इन्हें तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो उस रूम को बंद किया हुआ है इन भाई साहब। सिक्योरिटी कर रहे हैं ना, यहाँ बैठ के सिक्योरिटी कर रहे हैं। ब्रांड खाना बाहर बैठी है। ओ गई 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 कागान के लिए। और यार मैं तुम्हें दिखाऊं इतना कोई जबरदस्त किस्म की ना स्काई में शॉर्क टाइप बनी है, शॉर्क नहीं होती वो देखो, लाइक मैं जूम करूँ ना तो ऐसे लग रहा है शॉर्क है आसमान के अंदर। भाई सीन ये है कि ठीक है आगे इधर बहुत ठंड है और ठंड है, फिर हम जा रहे हैं ठंडे ठंडे पानी के पास। यहाँ हमारी काम पे टांग जानी है एक बार। बहुत ठंड है, सही बात है, बहुत ठंड है। हाय हाय, बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है। शुक्र है सैंडल पहन गया था यार। यकीन करो मैं दो मिनट के लिए उस जगह पे गया हूँ और मेरे पांव फुल रेड हो गए, फुल रेड। इतना कोई अबशार वहां से आ रही है। ओ फुल पांव रेड हो गए। वेदर कितना यहाँ पे नो वेदर और बाहर बहुत ज्यादा। हाँ तो बॉयज अभी सीन ये है कि आदिलदार मैंने अभी जो है ना इस वास्ते पढ़ने दी जो है ना होटल दिखाया। अब फौरन हम जाएंगे जुमा पढ़ने जा रहे हैं, जुमा पढ़ के आगे हम होटल दिखाएंगे। दिखाने की बारी नहीं होती, ये रहा नहीं जाता यार। बॉयज पता है अब क्या सीन है, हम लोग नारायण कितने में पहुंच गए थे, 12:30 साढ़े बारह एक बजे हम लोग नारान पहुंचे थे। कैरी से नहीं आया था मैं तो, ऐसे वो उठा के आगे था कि किसी सीन होगा, लेकिन आगे नारान ने बहुत टफ टाइम दे दिया। अब एंट्री इतनी मतलब जबरदस्त दी, आगे क्या होने वाला मुझे नहीं पता। खैर रूम देखो इस वक्त नारान में बर्फबारी हो रही है, ठीक है, ये सारा जो है ना ये सारा बर्फबारी हो रही है, उसकी अलामत है बर्फबारी की। ओए बहुत ठंड है यहाँ पे, काम पे टांग रही है। बिलाल भुट्टो याद आ गया, और वो सामने हमारा होटल है मिलेनियम इन। हाँ मिलेनियम इन, होटल का टूर कराऊंगा तुम लोगों को।
अभी हम लोग अभी रात हो गई है और हम हो चुके हैं आउट अपने होटल से। चल एल यार ओके ओके हाँ तुम आ गए हो सही है। अभी अपने कैश काम की सिम लेनी वाली टाइना की सिम लेनी आराम में। इतने अच्छे होटल थे ना लेकिन हमें सबसे घटिया ही लेके बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हैं। अगर तुम लोग नारान आ रहे हो ठीक है सबसे मतलब की बात पहले वेदर चेक करके आओ वेदर कैसा है ठीक है बहुत जरूरी चीज़ है कि तुम लोगों ने वेदर चेक करना नारान से पहले कि वेदर क्या कंडीशन है। सेकंडली आपके पास हाँ अनसर्टेनिटी होती है मुझे नहीं पता तुम्हें दोस्त ने पहले भी कहा था कि ठंडा होता लेकिन इतना वो नहीं था लेकिन इस बार मैंने चेक नहीं किया पड़ गया समय। दूसरी बात यह है कि अगर टाइन और की सिम लाजमी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ टाइन और के अलावा कोई नेट नहीं चलता तो ये कुछ चीज़ें माइंड में रख यार। आप लोगों को ना मैंने एक इन्फॉर्मेशन देनी थी मेरे आप लोग बेशक ये साथियों से पूछ लो जो नारान की आबो हवा है आजकल बहुत ज़्यादा खुश्क है बहुत वीरान है तो ये देख लो ये नारान का बाजार है जो कैसा बिल्कुल नहीं होता तो आजकल अवॉइड करो नारान का गाना। अभी जो है हम लोग इधर आए हैं फेरी मेडोज होटल और हम इसके तुम्हें रूम दिखाते हैं कि यहाँ तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं ताकि हमारी तरह तुम लोग यहाँ के रील ना होते रहो क्योंकि और काम कोई नहीं है। हाँ भी यार जो ये है ना 3% रूम है ये होटल फेरी मेडोज का इनके पास दो ऑप्शन अवेलेबल थे 3% और 4% ठीक है। ऑब्वियसली कबर्ड भी इनकी सही है मशरूम वगैरह इंटर चपले भाई शादी मिलेंगी यहाँ रूम ऑप्शन भी ठीक ही हैं बैठे ये मेरे काम किसी नहीं जैसा भी हो मैं क्या फायदा बाकी हमें क्या फायदा इस चीज का हम यहाँ क्या भी चलेंगे अच्छा यार नारान के बाजार में है सब ठीक है यहाँ पे और इधर बहुत सारी चीजें हैं जो कि इन्होंने हाथ से बनाई हुई आर्टिफिशियल भी हैं और अब चेक इन्हें कहते हैं कोई किसी में चेक कराएं यहाँ पे तो ये ऐसा लगता है जलने के बाद तो ये हम चेंज कर सकते हैं अंदर जो है बल्ब सही लाइट है ना अपनी देखो इतनी अच्छी लाइट है भाई। आज हम दोनों का एक्सपीरियंस जो था नारायण बाजार में खैर नारायण रश नहीं था हम दोनों को बड़ी चास आई है क्यों स्पेशल वाले हमें सही भाई चेस आई है नारान में चलो ठीक है ये होटल है मिलेनियम में ठीक है इसका मैं रिव्यू तो मैं अगली वीडियो में दूंगा इसमें आके बड़े हो गए तो अच्छा होटल है ठीक है यानी कि बुरा मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है ठीक है। सुनी क्या ना कि प्यार में बंदा ने उरान जाना ना पहाड़ खोदा था मानने वाली बात है बिलाल भाई आज हमने देख लिया एक बंदा वाकई खोद रहा है हमारे साथ का तो इन होते हैं इस होटल में ये रिसेप्शन चांद नजर आ गया ईद का इंटर होते ही तो बॉयज आज का जो है ना बहुत हो गया ये साड़ी हालत देख लो थक गया तो इंशाल्लाह जो है अभी ये ब्लॉग एड करके अपलोड करता हूँ और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है अभी अपलोड करूँ ठीक है अभी 12 बज के सॉरी 12:35 हो गए हैं इंशाल्लाह मुझे तंग रहो इंशाल्लाह करते हैं मैं लोड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह तब तक के लिए अल्लाह।